नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। आज आपके लिए लेकर आई हूं राजस्थानी कैरी की मीठी लौंजी। कैरी या कच्चे आम की मीठी लौंजी अभी गर्मियों में हर घर में बनती है, ये कैरी की मीठी लौंजी। और उसके साथ खाने के लिए राजस्थानी मंगोड़ी या मूंग दाल का पराठा कह सकते हैं आप इसे, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये। चलिए जल्दी बनाना शुरू करते हैं। मंगोड़ी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी धुली हुई मूंग की दाल, या हमारे मारवाड़ में इसे मूंग मोगर बोलते हैं, वो लिया है। इसे अच्छी तरह से 2-3 पानी से धोने के बाद भिगो के रखना है, कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए इसे भिगो के रखना है। दाल अच्छी तरह भीगनी चाहिए। ये मैंने 6 घंटे भिगोई थी दाल, अभी मैं हाथ में नाखून से इसको थोड़ा तोड़ के देख रही हूँ तो आसानी से टूट रही है, मतलब दाल अच्छी तरह से भीग के तैयार है। इसका पानी निथार लेंगे। अब जिस कटोरी से दाल ली थी उसी कटोरी से 2 कटोरी मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डालें कम ज़्यादा, हल्दी पाउडर, धनिया जीरे का पाउडर और सौंफ, और मोयन के लिए कम से कम 2 से 3 चम्मच तेल। ये सब डाल के अच्छी तरह से एक बार सूखा ही इसको मिक्स कर लेंगे। ये मसाले इसमें आटे में अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें हमारी भीगी हुई दाल मिला लेंगे अच्छी तरह से। ये भी मिश्रण तैयार करके फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें आटा लगाना है। आटा बहुत कड़क नहीं लगाना है, जिस तरह से हम रोटी का पराठे का आटा लगाते हैं वैसा ही लगाना है हमें। ये देखिए, ये इस तरह का आटा लगाना है। इस पे तेल लगा के एक 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दूंगी मैं, उसके बाद इसको बेलना शुरू करेंगे। चलिए अब इसका मैं एक रोटी जितनी साइज का ही लोई ले रही हूँ, और सूखा आटा इस पे थोड़ा सा डस्ट करके और इसको बेलना है। बहुत पतला भी नहीं बेलना है, बहुत मोटा भी नहीं बेलना है, मैं इसकी थिकनेस रोटी जैसी ही रख रही हूँ। और आप कोशिश ये करें कि सूखे आटे की डस्टिंग कम से कम करें, सूखा आटा कम से कम लगाएं। ये तो क्या होगा ना कि तेल बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा हमें सेकते समय। देखिए मैंने ये थिकनेस रखी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तवा मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, तवे पे डाल देंगे हमारी ये रोटी। गैस की आंच हमें स्लो टू मीडियम ही रखनी है, ज्यादा तेज आंच रखी तो जलने का डर रहेगा। और इस पे तेल थोड़ा सा ज्यादा लगता है इस मंगोड़ी पे, तेल अच्छा लगा के सेकेंगे तभी ये ज्यादा दिन तक टिकेगी। और इसको दबा दबा के सेकना होता है, तो जिस तरह से खाकरा बनाते हैं दबा दबा के सेकते हैं उस तरह से, तो दबा के सेकने से क्या होता है, अच्छी सिकेगी तो खराब नहीं होती है जल्दी, 7-8 दिन तक आराम से टिकती है मंगोड़ी। बचपन में मैंने मेरी माँ से ये मंगोड़ी सेकने के मामले में बहुत डांट खाई है। मेरी माँ को जली हुई रोटी या पराठा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बोलते हैं बारीक गैस पे करो और थोड़ा संयम से इसको सेको, तैयार करो। ये मंगोड़ी मैंने उन्हीं से बनानी सीखी है, उन्हीं की रेसिपी है। ये मंगोड़ी तैयार है, अब कैरी की मीठी सब्जी की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1/2 किलो तोतापुरी कैरी ली है, ये थोड़ी कम खट्टी होती है। इस सब्जी के लिए कम खट्टी कैरी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उससे क्या होगा कि हमें शक्कर कम डालनी पड़ेगी। तो इस कैरी को मैं छील कर बारीक टुकड़ों में काट लूंगी। टुकड़ों कैरी काटने का टुकड़ों का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मेरे यहाँ थोड़ी गली भी पसंद करते हैं इसलिए मैं कैरी को एकदम बारीक ही काटती हूँ। ये कैरी की मीठी लौंजी ज्यादा दिन टिकाने के लिए तेल ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने करीब 100 ml जितना तेल ले लिया है। और उसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ, जो हम अचार में लेते हैं काम में, 2 चम्मच सौंफ डाली है। 1 चम्मच मैंने कलौंजी, या हमारे मारवाड़ में इसको किरायता बोलते हैं, वो डाला है। और सूखी लाल मिर्च डाली है मैंने, और थोड़ी सी हींग डाली है। अब जो हमने कैरी काटी थी वो इसमें डाल देंगे और एक बार इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट इस तरह पकाने के बाद अब इसमें मसाले डालेंगे। तो लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं, 3 चम्मच डाला है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। तो मसाले आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, ऐसा इसमें प्रमाण का ऐसा कुछ नहीं है। मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसको ढक्कन लगा के पका देंगे, और उसके बाद ये देखिए अच्छे से गल गई है। 2 से 3 मिनट में कैरी गल जाती है बढ़िया। अब इसमें डाल देंगे काजू और किशमिश, ऑप्शनल है,
पर इससे इसका स्वाद एकदम शाही हो जाता है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। अब मैं यहाँ आधा कटोरी गुड़ और आधा कटोरी पूरा शक्कर ले रही हूँ। आप चाहें तो दोनों में से कोई एक चीज़ भी ले सकते हैं, या रेगुलर जो शुगर होती है हमारे घर में वो भी आप ले सकते हैं। अब इसमें हमें शक्कर और गुड़ डाली है, तो इसका पूरा पानी सूखने तक हमें इसे थोड़ा पकाना है। तेल अच्छा सा सूखने लग जाएगा इसमें, इससे क्या होगा ना कि ये सब्जी ज़्यादा दिन तक टिकेगी। तो ये कैरी की मीठी लौंगी बोले हैं, कैरी का छिंडा बोले हैं, एकदम तैयार है हमारा। और इसे आप सफ़र में भी लेके जा सकते हैं, कहीं जा रहे हैं तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है मंगोड़ी और कैरी की मीठी लौंगी का। और एक बार अगर बना के रख दिया तो 8-10 दिन तक भी ये सब्जी फ्रिज के बाहर भी खराब नहीं होती है। तो कैरी की मीठी लौंगी और मंगोड़ी का ये कॉम्बिनेशन अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलेंगे। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।